गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले पारंपरिक खिचड़ी मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। मेले में चारों ओर दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। मेले अपने अंतिम स्वरूप पर है। मेला देखने वाले लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। मेला विशालकाय आकर्षक झूलों से सज चुका है। इसके साथ ही इन झूलों को लाइट व झालरों से सजाया गया है। रात के समय झूलों पर लगी लाइटें लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसमें विभिन्न प्रकार के झूले लगे हुए हैं। 20 दिसंबर को ही झूले लगने वाले लोग मेले में आ चुके थे। 23 दिसंबर से लोग झूले का आनंद लेना शुरू कर दिए। मेले में आए झूले लगाने वाले मोहम्मद शौकीन ने बताया कि मेले का आनंद लेने के लिए लोग झूले की सवारी जरूर करते हैं। सबसे ज्यादा झूलों पर ही भीड़ लगी रहती है। बच्चे, महिलाएं व युवा सभी झूले का आनंद लेते हैं। इस बार मेले में 352 सीटर झूले लगे हैं। गगनचुंबी झूले पर बैठकर लोग रोमांचित हो रहे हैं। विशालकाय झूलों के अलावा घोड़े वाले झूले, नाव रूपी झूले व ब्रेकिंग डांस झूले प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु भी अब झूलों का आनंद ले रहे हैं। मेले में इस बार विभिन्न प्रकार के झूले लगे हुए हैं। खिचड़ी मेले में मिक्की माउस ट्रेन, जंपिंग जैक, इलेक्ट्रिक कार, ड्रैगन ट्रेन, ब्रेकिंग डांस, बोट झूला आदि लगे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए दुकानदारों व श्रद्धालुओं ने कहा, चलेगी इसमें
ब्रजेश है। ये चार प्रकार का बनता है और मीठा रहता है, मीठे की खासियत रहती है। ये धंधा हम 40 साल से कर रहे हैं, 52 साल की हमारी उम्र है, 12 साल से इसी लाइन में। मेले से बताए नहीं बाबू साहब कि हम 36 साल से मेले में हैं, सन 84 से 1984 से मेले में हैं। मेले मेले जाते हैं, मेले मेले रहते हैं। अन्नू मलिक 6 साल से झूला चलाते हैं, 2 महीने का, 1 जनवरी से 20 फरवरी तक है करीब 8। शाकिर खान, ये 20 साल हो गए, पब्लिक के लिए मनोरंजन दिखाते हैं सर, पब्लिक को खुश लगता है, अच्छा लगता है, एंजॉय होता है, तो इसलिए हम दिखाते हैं। हम लोग ये काम करते हैं, या बाइक चलाते हैं, मारुति चलाते हैं सर जी, चलेंगे बाइक चलाकर, पब्लिक को अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं, पैसा देती है, वो करती है, एक पेट के लिए सब करना पड़ता है। मेरा मोहम्मद शौकीन नाम है, 3-4 साल से आ रहे हैं हम लोग, और ये जो है खिचड़ी मेला है, बहुत अच्छे तादाद में रहता है ये मेला, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। हम ज़िला रामपुर थाना शायद नगर से आए हैं, हमारी जो है पूरी टीम है यहाँ पर, 5-6 आइटम है हमारे यहाँ पर लग रहे हैं, 3-4 वर्ष से हम जो है लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, और जो अच्छी मतलब अच्छा प्रॉफिट होता है हमें यहाँ पर, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है हमें, हर चीज़ की सहूलियत है यहाँ पर। यहाँ जो 1 जनवरी से 5 मार्च तक का मेला होता है, ये काफ़ी तादाद में अच्छा मेला होता है, अच्छी हमें भी इनकम हो जाती है और अच्छा खासा बढ़िया हिसाब किताब रहता है ये। शारदा प्रसाद पांडे, हम यहाँ पर करीब 71 से आते हैं, आए गोरखनाथ बाबा की निष्ठा है और ये मानते हैं कि ये देवता हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, इस भाव से हम यहाँ आते हैं, इनका दर्शन करने से हमारा हित होगा। नहीं, परिवार के साथ आते हैं, हाँ, और मकर संक्रांति के दिन भी आते हैं और बीच बीच में भी कभी कभी आते रहते हैं। प्रतिमा शर्मा, मैं हमेशा गोरखपुर में ही रहती हूँ, बट और यहाँ की जो गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर की वजह से ही फेमस हुआ है, और यहाँ पे खिचड़ी का मेला जो लगता है यहाँ पे देखने के लिए बार बार से लोग जाते हैं, यहाँ की मन्नतें पूरी होती हैं, और यहाँ पे 40 मेन खिचड़ी मकर संक्रांति रखी जाती है, और यहाँ पे मैं इस गोरखपुर में रह के मैं खुद धन्य हूँ कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, ये गोरखपुर में ही है, और मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ देखने आई हूँ क्योंकि बहुत फेमस, और मैं परमानेंट यहीं रहती हूँ, मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे जो भी बाहर से आता है वहाँ पे उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। थैंक यू।